Hello, would you like to read the question? Following is given the equation of a stationary wave. All quantities are in SI units. Y equal to 0.06 sine 2 pi x cos 5 pi t. Match the following list. Okay. So, हमें stationary wave की equation given है. ठीक है, हमें list को match करना है. ठीक है, A में पूछा हुआ amplitude of the constant wave. B में पूछा हुआ position of the node. C में पूछा हुआ position of antinode. And D में amplitude. अब देखो, Y equals to हमें दिया हुआ 0.06 sine 2 pi x cos of 5 pi t. ठीक है, अब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो y इक्वल्स टू 2a sin kx cos of omega t. ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करने पर जब 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.06 और a की वैल्यू आ जाएगी 0.03 मीटर. यानी कि जिन प्रोग्रेसिव वेव से ये हमारा स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वेव ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.03 मीटर हो जाएगी. ठीक है, जे मैच कर रहा है एस सी, ए इज मैचिंग विद एस. उससे आप पोजिशन ऑफ नोड देखो, नोड पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड आपका जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो देखो इसको वाई की वैल्यू मतलब जीरो हो जाएगी. एक तरह से ये जीरो कब होगी, जब साइन टू पाई एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी. ये बेसिकली एक तरह से हमारा एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है, वेव कर रहा है, ये एक तरह से एक्स के साथ साथ वेरी कर रहा होगा. ठीक है, तो एक तरह से ये हमारा जीरो कब हो जाएगा, जब साइन 2 पाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. अब देखो ये कब जीरो होगी. ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है कि बेसिकली जब साइन एन पाई पे हमें पता है इसकी वैल्यू जीरो होगी. ठीक है, मतलब एन वन हो सकता है, टू हो सकता है, साइन पाई, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई, ये सब जीरो होता है. तो एन की वैल्यू अगर मैं वन लेके चलूँ, साइन पाई इक्वल्स टू जीरो होगा. ठीक है, तो साइन टू पाई एक्स मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन पाई के इक्वल. यानी कि टू पाई एक्स मेरा हो गया पाई के इक्वल, यानी कि एक्स मेरा हो जाएगा वन बाय टू, यानी कि आ जाएगा 0.5 मीटर. ठीक है, तो ये हमारा मैच कर रहा है पोजिशन ऑफ नोड. तो एक्स 0.5 मीटर पर नोड की पोजिशन होगी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, ये जीरो होगा. तो ये मैच कर रहा है क्यू से. उसके बाद एंटी नोड, एंटी नोड पर हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है. मैक्सिमम होगा यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो यानी कि मैक्सिमम कब होगा, जो साइन टू पाई एक्स ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि वन होगा. तो साइन टू पाई एक्स ये होगी नोड, ये नोड के लिए कंडीशन थी और नोड. ठीक है, ये हम लिख रहे हैं एंटी नोड के लिए. एंटी नोड के लिए साइन टू पाई एक्स ये वाली मैक्सिमम होगी, लेकिन वन के इक्वल होगी. ये हम लिख सकते हैं पाई बाय टू पे होगा, यानी कि टू पाई एक्स हमारा होगा पाई बाय टू के इक्वल, यानी कि एक्स हमारा आ जाएगा वन बाय फोर, यानी कि हो जाएगा 0.25 मीटर. तो एंटी नोड हमें कितने में मिलेगा, 0.25 मीटर, यानी कि ये मैच कर रहा है R से. उसका एम्पलीट्यूड एट x इक्वल टू 3/4, ये हमारे देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड. तो एट x इक्वल टू 3/4 हमें फाइंड आउट करना है, एट x इक्वल टू 3/4. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा एट x इक्वल टू 3/4. ठीक है, ये हो जाएगा 0.06 साइन 2 पाई x की जगह हम पुट कर देते हैं 3/4. ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.06 साइन, ये हो जाएगा आपका 3π/2. ठीक है, साइन 3π/2, देखो ये साइन 3π/2. ठीक है, साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, तो जगह -0.06. इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास, मॉडुलस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर. ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड आएगा एट एक्स इक्वल्स टू 3/4, ये हो जाएगा 0.06, जो कि हम देख सकते हैं पी में गिवन है. ठीक है, तो ये मैच करेगा पी से. एट एक्स इक्वल्स टू 3/4 हमने एम्पलीट्यूड निकाला है. ठीक है, तो ये हमारा आ गया कितना, 0.06. सो हम ये मैच करें पी से, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज मैचिंग विद एस, बी इज मैचिंग विद क्यू, सी इज मैचिंग विद आर, डी इज मैचिंग विद पी. तो एस क्यू आर पी, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में गिवन है. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.